हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। यार तो आप में से काफी लोगों को पता होगा, आज से मैंने एक या डेढ़ महीने पहले एक वीडियो डाली थी चेन मार्केटिंग के ऊपर, जिसमें मैंने अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से, कुछ पब्लिक एक्सपीरियंस से और कुछ बातें इंटरनेट से ली थी। वो वीडियो मैंने किसी को भी टारगेट करने के लिए नहीं बनाई थी। उस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि जो लोग इस तरीके के स्कैम में फंस रहे हैं वो इसमें ना फंसे, अपने बाप का और अपना पैसा ना डुबाए। बट सीरियसली मुझे नहीं पता था कि अगर मैं किसी का नाम उसमें नहीं लूंगा उसके बाद भी कोई मेरे से ऑफेंड हो जाएगा, इससे अच्छा तो मैं नाम ले लेता, कम से कम कॉन्ट्रोवर्सी तो बढ़ जाती। खैर मेरे डेढ़ महीने पहले डाली हुई वीडियो पे एक बंदा परसों के दिन ऑफेंड हो गया एंड भाई ने गुस्से में आके बना दिया एक रिप्लाई, जो कि अच्छे यूट्यूबर हैं, काफी टाइम से मैंने उनको मादर चुचल पोस्टडी किया, चुतिया यूट्यूबर है। क्या चचा डिसलाइक से गाँव पड़ गई जो वीडियो हटा दी। कोई नहीं, यूट्यूब के बाद अगर कोई डाटा संभाल के रखता है तो वो मैं हूँ, तो पूरा डाटा पड़ा हुआ और आज की वीडियो में तेरे को अच्छे से बताया जाएगा कि बेमतलब गाली देने पे क्या रिएक्शन मिलता है। बाकी बहुत ओवरव्यू हो गया, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। लेकिन उन यूट्यूबर्स ने बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी सर पैर के नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, MLM के ऊपर, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं, उस इंडस्ट्री के ऊपर सीधा सीधा बेसलेस बातें करी हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में अगर तूने कोई भी बात बोली है, तुझे कुछ पता है तूने क्या रिसर्च किया, किस बेसिस पे बोल रहा है, और ना वो कभी हमें बताता है कि उसने क्या किया है, राइट? तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं कि मैंने क्या किया और उसके बाद मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। सो ये मैं लेके आ गया आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। देख चुकी है, तेरे को पहले मैं बता दूं कि मेरी जो रिसर्च होती है ना वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में डिपेंड होती है, और उस वीडियो में ही मैंने जो बातें करी थी वो सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं थी, उसमें पब्लिक एक्सपीरियंस भी था और ज्यादातर पब्लिक का क्या एक्सपीरियंस है वो मैंने उसमें शेयर किया था। साथ ही साथ पब्लिक डोमेन पे जो चीजें अवेलेबल थी मैंने उनको पढ़ा और इस वीडियो में डाला, क्योंकि मेरा काम तेरी तरह लोगों को अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखा के इन्फ्लुएंस करना नहीं है। जिस तरीके से तू करता है, तू अपनी वीडियो में जो बातें बोलता है तू अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोलता है, और जैसा तेरा एक्सपीरियंस था वैसी एक्सपीरियंस सबका हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक यूट्यूबर हूं और मैं यूट्यूब से अच्छा खासा रेवेन्यू ले ले रहा हूं, दैट्स मींस कि मैं इस पे सक्सेसफुल हूं। अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि सभी का एक्सपीरियंस अच्छा ही हो। काफी लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं और छोड़ देते हैं, मेरे साथ काफी लोगों ने शुरू किया और उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं फेक पॉजिटिविटी दिखाऊं, लोगों को इन्फ्लुएंस करूं कि भाई जैसा मैंने कमा लिया वैसा तुम भी कमा सकते हो, तो हो सकता है लाखों लोग मेरे को देख के इंस्पायर्ड होकर यूट्यूब चैनल बना लें, बट इन दी एंड उनको अपना चैनल बंद करना पड़े, क्योंकि जो एक्सपीरियंस या फिर टैलेंट मेरे पास है जरूरी तो नहीं है अगले के पास भी हो। सो जरूरी नहीं है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बनाई हुई चीज को हमेशा ही सही तरीके से देखो, कई बार गलत भी हो सकता है दूसरों के नजरिए से। आई गॉट 10 CGPA देयर, 10 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड में BCM के 92% सिक्योर किया था। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी मोतीलाल नेहरू कॉलेज, जहां पे एडमिशन करवाने के लिए ना लोग तरस रहे होते हैं। एंड देन आई हैव बीन इनटू नेटवर्क मार्केटिंग सिंस लास्ट 3 इयर्स। अब जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है ना, तो पढ़ाई लिखाई मेरे भाई, मुझे लगा ये काम सिर्फ टिकटॉक वाले करते हैं, आज पता चला कि तुझ जैसे लोग भी यही काम करते हैं। खैर मैं अपनी डिग्रियां दिखा के तेरे को नीचे नहीं दिखाऊंगा, मैं तेरे को थोड़े से फैक्ट्स बताऊंगा। नीरव मोदी का नाम सुना है? हाँ, तुम्हारे जैसे ही था, स्कॉलर था बंदा, लेकिन इंडियन निकला क्या? फ्रॉड। ओसामा बिन लादेन का सुना है? इंजीनियर था, लेकिन इंडियन क्या निकला? आतंकवादी। सो पढ़े लिखे हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप टैलेंटेड भी होगे। एडवर्टीजमेंट, जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं होगी तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा, मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मार्केट में नया प्रोडक्ट कौन सा है। पर क्या इसमें पैसे नहीं लगते? ये सब दिखाने के पैसे लगते नहीं लगते? लगते हैं। ये पैसे कौन भरता है? मैन्युफैक्चरर भरता है क्या? कौन भरता है? कंज्यूमर भरता है। मैं भरता हूं, आप भरते हैं, कंज्यूमर के जेब से पैसा लेके। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग इस पूरे चेन को बेचैन करता है। सर सच बताना, मेरे को रिप्लाई देने से पहले आपने मेरी वीडियोस को देखा था? आई 100% श्योर कि नहीं देखा होगा। अगर एक बार मेरी वीडियो देख लेते तो आप ये पॉइंट काउंटर कर ही नहीं पाते। चलिए दोबारा दिखा देता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया में जब भी कोई कंपनी आती है या फिर कोई भी प्रोडक्ट एक कंपनी बनाती है, तो उसका सबसे पहला काम होता है उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, एड्स के थ्रू या फिर जिस भी तरीके से वो मार्केटिंग करना चाहे वो। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 6-7% के करीब एक कंपनी अपने मार्केटिंग में पैसा खर्च करती है। मान के चलो अगर 100 करोड़ की कंपनी है तो 6-7 करोड़ रुपए वो सिर्फ और सिर्फ एड्स में खर्चा करती है, और उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट उनका बिके या फिर ना बिके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये कंपनी सीधा सीधा अपना 6-7% बचाती है, क्योंकि इनको मार्केटिंग तो करनी नहीं होती, इनका प्रोडक्ट इतना ज्यादा जेन्युइन होता ही नहीं है। तो ये आपको एक एडवर्टाइजमेंट की तरह यूज करती है, वो भी डोर टू डोर जाने के लिए। लाइक अगर आपने इनका प्रोडक्ट खरीद लिया तो जाहिर सी बात है आपसे कहेंगे कि आप 4 लोगों को और जोड़ो, आपको प्रॉफिट होगा। तो पहली चीज तो इनने वहां पे पैसा बचा लिया, दूसरी बात फ्री में प्रोडक्ट भी बिक रहा है और मार्केटिंग भी हो रही है। मैंने क्या बोला था कि एक कंपनी का 80-90% पैसा मार्केटिंग में लगता है, लेकिन वहीं पर ये MLM वाले आपसे क्या करवाते हैं? डोर टू डोर मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग का जो पैसा होता है वो ये सेव रखते हैं और आप जो इनके लिए गधा हमाली कर रहे होते हैं उसमें से पकड़ा देते हैं। आपको क्या लगता है आपको प्रॉफिट हो रहा है? आपसे ही मेहनत करा के, आपसे ही एडवर्टाइजमेंट करा के, आपसे ही मार्केटिंग करा के आपको ही पैसा दे दिया जा रहा है। अगर मजदूरी करने जाओगे ना तो 500-1000 रुपए दिन का बना लोगे, तो अगर मजदूरी करना है ना तो खुद के लिए कर लो, इनके लिए नहीं। बीच के सारे लोगों को हटा दिया, अब यहाँ पे सीधा मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को प्रोडक्ट देती है और उसको बोलती है, दो केसेस होंगे,
प्रोडक्ट या तो पसंद नहीं आए या उसको प्रोडक्ट पसंद आए। अगर नहीं आए नहीं करना है बिजनेस। असली कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, बट इफ वी लाइक समथिंग वी हैव अ ह्यूमन टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी दैट वी शेयर इट। भाई अगर इतने ही ज्यादा जीनियस हो तो पब्लिक से पैसा क्यों लेते हो। अंबानी जी ने भी जियो निकाली थी तो उन्होंने लोगों से ये तो नहीं कहा था कि मुझे 5,000 रुपए दो उसके बाद इस सिम को यूज करना, अगर तुमको अच्छी लगे तो लोगों में शेयर करना। नहीं, उनको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा था इसलिए उन्होंने उस प्रोडक्ट को फ्री रख दिया और फ्री रखा तो लोगों ने शेयर किया। लेकिन तेरी कंपनी ऐसा तो नहीं करती ना, पहले प्रोडक्ट का पैसा ले लेती है उसके बाद एक्सपीरियंस मांगती है। जब मैं पैसा लगा ही चुका हूँ तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट मुझे पसंद आया हो या फिर नहीं आया, मुझे उस पैसे को निकालने के लिए और ज्यादा लोगों को तो बनाना ही पड़ेगा। कुल मिला के इसमें मेरा फायदा होना हो तेरा और तेरी कंपनी का जरूर फायदा होता है। कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर स्कैम्स नहीं हुए हैं? क्या बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्कैम नहीं हुए क्या? गो टू गूगल सर्च इट, आपको पता लगेगा बैंकिंग के अंदर भी स्कैम हुए। तो अगर इन इंडस्ट्रीज के अंदर स्कैम हुए तो क्या आप पूरी इंडस्ट्री को खराब बोल दोगे? देयर इज द बिग डिफरेंस बेबी। सर जी इंग्लिश बोलना तो सीख गए पर फैक्ट के बारे में जानना भूल गए। सर हर जगह स्कैम होता है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे बैंक्स हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। एक के चक्कर में हम सबको गलत नहीं बोल सकते, आपकी बात बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, समझना सर, अगले सेमिनार में लोगों को समझाने के काम आएगा। आज की डेट में अगर LIC मुझको कहती है कि सर हमको 5,000 रुपए दो, हम आपको अगले महीने से 6,000, 7,000, 8,000 रुपए देना शुरू कर देंगे। LIC कहती है, LIC क्या, गवर्नमेंट कंपनी। अगर आज LIC मुझे ऐसा कहती है तो मैं आंखें बंद करके पैसे डाल सकता हूँ उसमें। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सबसे पहले कौन खड़ा हुआ है? गवर्नमेंट। अगर आज मेरा पैसा डूब जाता है तो मैं जाकर गवर्नमेंट के खिलाफ चिल्ला सकता हूँ, प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। सो जाहिर सी बात है सब आंखें बंद करके LIC को पैसा दे सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बाय चांस LIC डूबी तो गवर्नमेंट उनको मुआवजा दे देगी, उनका पैसा कहीं नहीं जाएगा, जितना लगाएंगे उतना तो मिल ही जाएगा। सेम चीज बैंक में भी होती है अगर तू पढ़ लेता। अब बेटा देखो फैक्ट कहां आता है वो समझाते हैं तुमको। कहीं पर अगर तुम्हारी कंपनी आती है और बोलती है मुझे 5,000 रुपए दे दो, अगले महीने से मैं आपको 6,000 देने लगूंगी, या आप हमारे साथ बिजनेस कर सकते हो, तो इस जगह पे बात किसकी होगी? तेरी कंपनी की और मेरी। यहाँ पे पैसा मेरी रिस्क पे जाएगा या फिर तेरी कंपनी के टर्म एंड कंडीशन पे। अगर तेरी कंपनी ने कल को मुझे पैसा देने से मना कर दिया क्या करूंगा मैं? केस कर सकता हूँ। अब भैया जैसे तैसे मैंने अपनी जिंदगी में 20,000 रुपए इकट्ठे कर रहे हूं, पहले तो वो तेरे पे फूंक दूं, उसके बाद उनको निकालने के लिए और ज्यादा पैसा फूंक दूं। फैक्ट समझ आए? तेरी कंपनी एक बहुत अलग चीज हो गई और गवर्नमेंट कंपनियां से एक बहुत अलग चीज हो गई, समझा? सिंपल है, आप पूरी जिंदगी लोगों की मदद करो, पूरी जिंदगी अच्छा अच्छा करते चले जाओ, आप शायद ही किसी की नजर में आओगे, पर गलती से ही सही किसी को चाटा मार दो, किसी का गलती से मर्डर कर दो, ठीक है? गलती से, ठीक है, सॉरी बोल देना बाद में, मर्डर कर दो। गलती से मर्डर सलमान भाई की पहनो क्या चाचा? किसी का गलती से मर्डर कर दो। नहीं, गलती से थप्पड़ मारना समझ आता है, ये बंदा एग्जांपल भी क्या दे रहा है, गलती से मर्डर, मर्डर कर दो। वो गलती नहीं होती है, वो क्राइम में आता है। खैर चल ठीक है, कुतिया पे मैं जवान इधर उधर मुरझा जाती है, इग्नोर मारते हैं इस पॉइंट को तेरे। नरेंद्र मोदी साहब ने जब भीम, जो हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, वी लाइक रिस्पेक्ट हिम, उन्होंने जब भीम ऐप की लॉन्चिंग करी थी तो उस टाइम पे भी रेफरल सिस्टम को लॉन्च किया था उन्होंने, नेटवर्क मार्केटिंग का जो मॉडल था उसको लॉन्च किया था उन्होंने उसका यूज किया था। सुन मेरी बात, मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया तेरे को? LIC का दिया ना। अगर मोदी जी कुछ बात कह रहे हैं दैट्स मींस कौन वो बात कह रहा है? गवर्नमेंट। और जब गवर्नमेंट कोई बात कहती है तो उस बात की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन होता है मुआवजा लेने का, रिफंड लेने का। लेकिन वहीं पर अगर तू या तेरी कंपनी ये बात कहती है तो मैं कैसे मान लूं कि तू सच कह रहा है? राइट, आपको ये क्लिप दिख जाएगी, आप देखिए इसे। इस ही आधार के तहत मैं इस वैकेशन में मैं मेरे देश के नौजवानों को निमंत्रित कर, इसमें एक योजना है रेफरल, यानी अगर आप किसी को भीम ऐप के संबंध में समझाएंगे कि मोबाइल पर भीम ऐप डाउनलोड करवाएंगे। और सीरियसली तू इतना बड़ा बेवकूफ है कि तू रेफरल स्कीम को चेन मार्केटिंग से जोड़ रहा है? तूने ये जो मोदी जी की स्कीम दिखाई है ना, पहले ये तो रिसर्च कर ले कि वो एक ऐप को प्रमोट कर रहे थे। भीम ऐप रेफरल करने का तेरे से पैसा नहीं लेती, तेरी कंपनी पैसा लेती है, मुझे प्रोडक्ट देती है। मतलब समझा, अगर मैं भीम ऐप को डाउनलोड करता हूँ तो मुझे पैसा नहीं देना पड़ रहा, लेकिन अगर मैं तेरे को प्रमोट या रेफरल कर रहा हूँ तो मुझे तुझे पैसा देना पड़ रहा है। वो एक फ्री स्कीम है और ये एक पैसे वाली स्कीम है जो तेरी है। चूतिए, दूसरी बार भीम ऐप काहे के लिए लाई गई थी? ताकि इंडिया को डिजिटल बनाया जा सके, ताकि लोग करेंसी को कम यूज करें और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की तरफ ज्यादा जाए, इसलिए रेफरल स्कीम लाई गई थी। अगर मोदी जी आ जाकर बोल देना कि चेन मार्केटिंग सही है, मैं मान लूंगा। लॉजिकल बात करो ना यार, लॉजिकल फैक्ट के ऊपर बात करो। तूने अपनी वीडियो की शुरुआत कैसे करी कि लोग पॉजिटिविटी नहीं बताते? क्रिटिसाइज करना मेरा फंडामेंटल राइट है जो मैंने किया। सीरियसली मैं तुझे जानता भी नहीं था कि इस तरीके का कोई बंदा एक्सिस्ट करता है कि। मेरी वीडियो लगभग हर MLM वाले ने देखी होगी, लेकिन ना सोनू शर्मा सर ने रिएक्ट करा, ना विवेक बिंद्रा सर ने, ना किसी और ने। मिर्ची किसको लगी? तेरे को। मैंने तो स्कैमर्स को गाली दी थी, तुझे बुरा क्यों लग रहा है भाई? और दूसरी बात, तू कह रहा है ना कि हर चीज के दो पॉइंट होते हैं, तूने पॉजिटिव तो दिखा दिए, नेगेटिव तो नहीं दिखाए कि किस तरीके से किसान ने सुसाइड कर लिया था तेरे MLM में फंस के, कि कैसे एक लोंडे ने खुद को टांग लिया था तेरे MLM के चक्कर में, कैसे इस तरीके की कंपनियों को इंडिया में बैन किया गया।
गया। टोटल अमाउंट अगर मैं गिनने चला गया ना जिन लोगों ने सुसाइड किया है, चूतिए फट जाएगी तेरी। और तू आज एक गारंटी ले ले कि तू जिसका पैसा ले रहा है उसका पैसा नहीं डूबेगा, ले गारंटी। और अगर उसका पैसा डूबा तो तू अपनी जेब से दे देगा, नहीं दे सकता तू गारंटी। मैं जानता हूं इंडियन तुम लोग यही बोल दोगे तुमने वो हार्ड वर्क ही नहीं करा कि तुम पैसा डिजर्व करो, ये तुम्हारे फ्रॉड होते हैं, ये तुम्हारी स्कीमें होती है। खैर अब आपके सर के बारे में इतनी बातें हो ही गई हैं, तो अब सर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सर एक YouTube चैनल चलाते हैं एंड सर लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं MLM में जुड़ने के लिए, और सर साथ ही साथ ये भी सिखाते हैं कि गाली नहीं देनी चाहिए। वाला आपका मेरे से पूछो बिना गाली का लॉज के, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्डो वाली जो हरकत है ना ये बचकानी हरकत है, ये हम स्कूल कॉलेज के अंदर छोड़ चुके हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड को हर किसी के स्टैंडर्ड को सूट नहीं करता कि हम लॉन्डो वाली हरकतें करें, गाली गलौज करके कूल दिखने की कोशिश करें। ये सब छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यार यहाँ पे इसकी माँ नहीं चोरी जा रही है, एक साथ कैसे छोड़ू। क्या सर आप अपने उसूलों पे नहीं खड़े हो पा रहे, दूसरों को अपने साथ क्या खड़ा करोगे। खैर कोई नहीं, सर एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बस क्या होता है ना कई बार सर को 15-20 रिटेक लग जाती है एक वीडियो बनाने में। अब कुछ बातें स्ट्रेट अवे लक्ष्य चौधरी से करने वाला हूँ मैं, जो कि एक बहुत अच्छे खासे यूट्यूबर है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस है उनका एंड बहुत सारे अरे मादर चोद है वो। अरे रीटेक तो हर कोई करता रहता है, स्क्रिप्ट तो सर खुद ही लिखते होंगे ना। हर बंदा खुश नहीं है तो हर बंदा दुखी भी नहीं है। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर हर बंदा नहीं कमा रहा तो हर बंदा कमा रहा है ये भी ऐसा नहीं कि कोई नहीं कमा रहा। पॉइंट अच्छा निकला था। खैर ठीक है कोई बात नहीं, सर गाली बक देते हैं, सब बकते हैं आज की डेट में, सर रिटेक लेते हैं, सब लेते हैं। बट पॉइंट आता है कि सर ने आज से कुछ दिन पहले एक मोटिवेशनल रैप सॉन्ग बनाया था एंड उस रैप सॉन्ग का मुझे कुछ अच्छा लगा हो ना लगाओ टैगलाइन बहुत अच्छी लगी थी। तू अब वो करेगा जो तुझसे तेरे यार दोस्ती। भाई जरा सी शर्म नहीं आई, तू अपने आप को सर बुलवाता है, तू अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है और सक्सेसफुल लोगों की टैगलाइन चोरी करता है। तू अब वो करेगा जो तुझसे तेरे यार दोस्ती। इतनी सी भी शर्म नहीं आई ना साहिल खान की लाइन चोरी करते हुए। इस साहिल भाई की टैगलाइन है वन लाइफ One life, baby. तेरे को इतनी सी भी शर्म नहीं आई उसकी टैगलाइन कॉपी करते हुए, तुझे इतनी सी भी शर्म नहीं आई उसको क्रेडिट ना देते हुए, और तेरे बच्चे फैंस को तो पता भी नहीं होगा कि हमारे सर कहाँ कहाँ से क्या क्या चुरा के ला रहे हैं। देख भाई तेरे से कोई बुराई नहीं थी ना, मैं इनफैक्ट तेरे को जानता था, तूने हमारा टाइटल टैग में नाम डाला, लोगों ने हमको शेयर करा, हमने लाइव स्ट्रीम खोली तो हमने देखा कि भैया हमें गालियां बकी जा रही हैं और वो भी माँ बहन की, हमने तुझे तो कुछ ऐसा बोला नहीं था ना, तुझे जानते थे। एक जाहिर सी बात है हम में उंगली करेगा हम पूरा हाथ कर देंगे, फंसेगा तू ही। सो पॉइंट इज दैट ये मेरी तेरे ऊपर पहली और आखिरी वीडियो है, इसके बाद मैं तेरे ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि तू भी जैसा रिप्लाई देने नहीं आएगा क्योंकि मैंने तेरे फैक्ट्स को क्लियर कर दिया और डिसाइड कर ले कि तेरे को क्या करना है, क्योंकि इतना तो पक्का है कि अब मेरे एंड से बहुत प्यार मिलने वाला है तेरे को। बाकी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि जाकर भाई को गाली मत देना, भाई को जाकर प्यार से बोल देना भाई गेट वेल सून, गाली मत देना, नहीं तो फिर क्या रहेगा ना कि इसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं रह जाए। और जितने बच्चे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं भी पैसा लगाओ सोच समझ के लगाना। मेरी अगली वीडियो आ रही है वैसे इस बारे में, उसमें मैंने एक प्लान शेयर किया है जो हो सकता है कि आप सबके काम बहुत ज्यादा काम आ जाए, इनकम रिलेटेड ही है और बहुत सही चीज है, तो उस वीडियो का इंतजार करो, मेरे ख्याल से परसों नरसों तक डाल दूंगा। बाकी इंडियन यही कहना चाहूंगा तुम्हारे घर वालों ने तुमने, मैं जानता हूं इस वक्त जो हालत चल रहे हैं देश के, ऐसा तुमने पैसा इकट्ठा किया होगा, कहीं भी जाकर मत लगा देना, ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। मेरे को मेरी ऑडियंस पे भरोसा है लेकिन जो नई ऑडियंस देख रही है मैं उससे ये कहना चाहूंगा थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, जरूरी है वीडियो शेयर करना। एंड वन मोर थिंग, MLM वालों जैसा आधा काम मत किया करो, आओ जरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे, जल्दी आओ जल्दी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो एंड खुश रहो, हंसते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका अपना सम्राट।